अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर सिद्रा मुगल फ्रॉम द डी एच ए ब्रांच ऑफ अल खलीज। आज हमारे साथ बहुत ही फेमस ब्लॉगर हैं माविश रहमान, जो कि लिप टिंट के प्रोसीजर के लिए हमारे पास आई थी, तो हम इनका लिप टिंट का प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। लिप टिंट का जो प्रोसीजर है, बेसिकली हम उन लोगों में परफॉर्म करते हैं जो कि अपनी लिप के ऊपर एक नेचुरल सी बहुत ही अच्छी सी शेड लाना चाहते हैं, जो कि पिंकिश या रेडिश टोन में होता है। आइडियली जो कि जो लोग लिप पिगमेंटेशन से परेशान होते हैं, वो भी इस प्रोसीजर को परफॉर्म करवा सकते हैं। इस प्रोसीजर में जो हमारा इनिशियल स्टेप होता है, वो हम नमिंग से स्टार्ट करते हैं आफ्टर 15 to 20 मिनट्स ऑफ वेटिंग। इसके बाद हम लिप टिंट का कलर इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि ऑर्गेनिक बेस्ड होता है, प्लांट बेस्ड होता है। ये आपकी स्किन के लिए टोटली सेफ होता है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। इसकी जो लास्टिंग होती है वो ऑलमोस्ट 1 ईयर तक होती है, और अगर रिक्वायर्ड हो तो फिर इसमें हम एक टचअप का सेशन भी करते हैं। लिप टिंट के साथ साथ इस मशीन के डिफरेंट और भी ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल आईब्रो टिंट अगर हम परफॉर्म करते हैं तो आइडियली उन पेशेंट्स के लिए होता है जिनकी आईब्रोज में बहुत थिनिंग हो रही होती है। इसमें हम डिफरेंट एंगल से स्ट्रोक्स देते हैं, जिसके बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स होते हैं। इसके अलावा जो सेमी परमानेंट मेकअप में आता है, फॉर एग्जाम्पल आई लाइनर वगैरह, वो भी इस मशीन में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो तमाम लोग जो कि अपनी लिप पिगमेंटेशन को लेकर थोड़ा सा परेशान हैं और अपने लिप पे एक नो मेकअप और नेचुरल सी लुक चाहते हैं, तो वो इस ट्रीटमेंट को ऑप्ट कर सकते हैं। यू कैन विजिट अस एट द डीजे ब्रांच ऑफ अल खलीज एंड गेट दिस प्रोसीजर डन।